हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीहू, परी, प्रागति, प्रीति और प्राजक्ता के बारे में। बात करेंगे सबसे पहले इनके रियल नेम्स के बारे में, क्या है इन सभी के रियल नेम। बात करेंगे पीहू के बारे में, पीहू का रियल नेम है प्राकृति। अब हम बात करेंगे परी के बारे में, तो गाइस मैं आप सभी को बताना चाहूँगा परी का रियल नेम है संस्कृति। अब हम बात करेंगे प्रागति के बारे में, आप सभी को बताएंगे इनका रियल नेम क्या है। आप सभी को बताना चाहूँगा मैं गाइस, प्रागति का रियल नेम है प्रागति। जी हाँ दोस्तों, यही इनका रियल नेम है। बात करेंगे प्रीति के बारे में, तो गाइस मैं आप सभी को बताऊँगा इनका रियल नेम क्या है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा गाइस, इनका भी रियल नेम है प्रीति ही। जी हाँ दोस्तों, प्रीति ही इनका रियल नेम है। अब हम बात करेंगे प्राजक्ता के बारे में, क्या है इनका रियल नेम। वैसे तो लोग इन्हें मोस्टली सेंट के नाम से ज़्यादा जानते हैं, फिर भी मैं आप सभी को बताता हूँ इनका रियल नेम क्या है। इनका रियल नेम प्राजक्ता ही है। अब हम बात करेंगे इन सभी की एज के बारे में, कितनी एज हो चुकी है मैं आप सभी को बताऊँगा। पहले बात करेंगे पीहू की एज के बारे में, तो वैसे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इनकी एज है अभी 15 साल। काफ़ी कम उम्र में ही काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है ये। बात करेंगे पीहू परी के बारे में, परी की एज कितनी हो चुकी है, तो गाइस मैं आप सभी को बताना चाहूँगा परी की एज अभी 13 साल। अब हम बात करेंगे प्रागति के बारे में, आप सभी को बताएंगे इनकी एज कितनी है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा प्रागति की एज है 20 साल। अब हम बात करेंगे प्रीति की एज के बारे में, आप सभी को बताएंगे प्रीति की एज कितनी हो चुकी है, तो गाइस मैं आप सभी को बताना चाहूँगा प्रीति की एज है अभी 28 साल। अब हम बात करेंगे प्राजक्ता के बारे में, आप सभी को बताएंगे इनकी एज कितनी हो चुकी है अभी, तो गाइस मैं आप सभी को बताना चाहूँगा प्राजक्ता की एज हो चुकी है अभी 26 साल। अब हम बात करेंगे इन सभी के हाउस के बारे में, कहाँ पर है इनके घर, मैं आप सभी को बताऊँगा। पहले बात करेंगे पीहू के बारे में, पीहू का घर कहाँ पर है मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, पीहू का घर है कोटा में। अब हम बात करेंगे परी के बारे में, परी का घर कहाँ पर है मैं आप सभी को बताऊंगा, तो गाइस मैं आप सभी को बताना चाहूँगा परी का घर है थाने में। अब हम बात करेंगे प्रागति के बारे में, आप सभी को बताएंगे प्रागति का घर कहाँ पर है, तो गाइस मैं आप सभी को बताना चाहूँगा प्रागति का घर है गोरखपुर में। अब हम बात करेंगे प्रीति के बारे में, आप सभी को बताएंगे प्रीति का घर कहाँ पर है, तो गाइस मैं आप सभी को बताना चाहूँगा प्रीति का घर है थाने में। अब हम बात करेंगे प्राजक्ता के बारे में, आप सभी को बताएंगे प्राजक्ता का घर कहाँ पर है, तो गाइस मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इनका घर है मुंबई में। इनमें से आपका फेवरेट कौन है आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इनके यूट्यूब के बारे में, पहले बात करेंगे पीहू के बारे में, मैं आप सभी को बताऊंगा इन सभी के यूट्यूब चैनल, ताकि आप सभी इनके यूट्यूब चैनल्स पर जाकर इनके वीडियोस देख सको आपने नहीं देखे हैं तो। पीहू का काफ़ी अच्छा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है आयु एंड पीहू शो, जिस पर आज 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। काफ़ी अच्छे वीडियोज़ होते हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं इनके यूट्यूब चैनल को। आज बात करेंगे परी के बारे में, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा गाइस परी के यूट्यूब चैनल का नाम है परीज लाइफस्टाइल। काफ़ी अच्छा यूट्यूब चैनल है, 10 मिलियन इनके सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, लोग काफ़ी पसंद करते हैं इनके हर एक वीडियो को देखना। आज बात करेंगे अब हम प्रागति के बारे में, आप सभी को बताएंगे इनके यूट्यूब के बारे में, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इनके यूट्यूब चैनल का नाम है प्रागति वर्मा, जिस पर आज 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। काफ़ी अच्छे वीडियोज़ बना रही हैं प्रागति और लोग इनके वीडियोज़ को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं, अभी देखना। बात करेंगे अब हम प्रीति के बारे में, बात करेंगे इनके यूट्यूब चैनल के बारे में, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा इनके यूट्यूब चैनल का नाम है हंगरी बर्ड, जिस पर आज 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं इनके वीडियोस को देखना। आज बात करेंगे प्राजक्ता के बारे में, इनके यूट्यूब चैनल के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, काफ़ी अच्छा यूट्यूब चैनल है उसका नाम मैं आप सभी को बता रहा हूँ। इनके यूट्यूब चैनल का नाम है मोस्टली सेन, जिस पर आज 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। काफ़ी पुरानी यूट्यूबर हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है और लोग आज भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, इनके वीडियोज़ को देखना लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं आज भी। तो गाइस आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, ऐसे ही वीडियोस मैं आप सभी के लिए हमेशा लाता रहूँगा। आपसे एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना यदि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।